अरे वो मोदी चाचा ये मोटरसाइकिल लेके कहाँ चल दिए? अरे जरा मुझे भी अगले चौराहे पे छोड़ देना, वहां मेरी साइकिल पंचर हो रखी है, मैं उसमें पंचर लगवा के अपने गांव जाऊंगा। अरे क्यों नहीं अखिलेश बाबू, ये मोटरसाइकिल अपनी ही समझो, तुम्हारी सेवा के लिए ही लाया हूँ ये मोटरसाइकिल मैं। आ जाओ सही ढंग से बैठ जाना, अब ये 100 की स्पीड से चलने वाली है ये मोटरसाइकिल अखिलेश बाबू, सही ढंग से पकड़ लेना वरना गिर जाओगे। और तुमको अगले चौराहे पे छोड़ दूंगा, वहां से अपनी टूटी साइकिल लेके अपने गांव पहुंच जाना, और उससे अगले चौराहे पे योगी जी को छोड़ दूंगा, योगी जी वहां से अपना बुलडोजर लेके लखनऊ पहुंच जाएंगे, और मैं अपनी ये मोटरसाइकिल लेकर सीधा दिल्ली पहुंच जाऊंगा। अरे मोदी जी तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले। अरे मोदी जी ये तो बता दीजिए, ये मोटरसाइकिल चलाना कहाँ से सीखा तुमने? देखो योगी जी, मोटरसाइकिल से मेरा बचपन से ही नाता है। जब मैं बचपन में चाय बेचा करता था, उस समय मैं चाय देने के लिए मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करता था, इसलिए योगी जी मोटरसाइकिल से अपना प्यार अब तक बरकरार है। अरे मोदी जी ये गोलगप्पे कैसे दिए हैं, जरा हमें भी तो खिलाओ। अरे योगी जी को खिला खिला के योगी जी का पेट फुला दिया, मोदी जी जरा हमें भी खिलाओ अपने गोलगप्पे। अरे क्या बात कर रहे हो अखिलेश जी, तुम्हारे लिए तो ये ठेला खोला है गोलगप्पे का, आते जाइए खाते जाइए, लुट गया माल, बेस्ट क्वालिटी का माल है, ऐसे गोलगप्पे आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ऐसे गोलगप्पे आपको सिर्फ मोदी जी के ठेले पे मिलेंगे, आते जाइए खाते जाइए, योगी जी अखिलेश को खिलाइए जल्दी सी, अखिलेश जी 10 रुपये का एक मिल रहा है, 10 रुपये का एक। अरे मोदी जी ये कैसी बातें कर रहे हो, 10 रुपये का एक तो कहीं नहीं मिलता। अरे मोदी जी तुम्हारी सरकार बन गई है यूपी में, अब तो हमारे लिए फ्री खिला दो गोलगप्पे। अगर मेरी सरकार यूपी में बन जाती मोदी जी, तो मैं तुम्हारे घर के सामने एक एक ठेला खुलवा देता, फ्री होता तुम्हारे लिए गोलगप्पों का ठेला। जी हाँ मोदी जी, मैं आपसे दृढ़ संकल्प के साथ ये मांग करता हूँ कि अखिलेश के लिए फ्री गोलगप्पे खिलाए जाएं, क्योंकि हम सारी जनता को फ्री खिला रहे हैं, तो अखिलेश के लिए फ्री क्यों नहीं खिला सकते? तो मोदी जी मेरी तरफ से अखिलेश के लिए फ्री गोलगप्पे। अरे मोदी जी ये क्या कर रहे हो, अरे तुम हमारी पार्टी के नेता हो, तुम ही अखिलेश के साथ मिलके हमको पकड़ के हमारे पिछवाड़े में सुई घुसेड़ दिए। मोदी जी ये अच्छी बात नहीं है तुम्हारी। अरे चुप करो योगी जी, हमको पता है कि हम अखिलेश की पार्टी के नेता नहीं हैं, हम तुम्हारी पार्टी के नेता हैं, लेकिन योगी जी हमको तुम्हें हराना है अब की बार यूपी में, क्योंकि अगर तुम अब की बार यूपी में जीत गए तो हमारे प्रधानमंत्री की कुर्सी को खतरा हो जाएगा, समझे योगी जी? अरे अखिलेश बबुआ तुम ही हम पे तरस खाओ, ये मोदी जी तो तुम्हारी पार्टी की तरफ झुक गए, मैं तुम दोनों से माफी मांगता हूँ, मुझे जाने दो, मैं अब की बार चुनाव ही नहीं लड़ूंगा यूपी में। ओम फो, अरे तुम दोनों की लड़ाई देख के तो भाई मेरे को मजा आ गया, और अब की बार तो भाई अपनी साइकिल कते धर्राटे काट रही है धर्राटे, और अब की बार मोदी जी अपना साथ दे रहे हैं, इस वजह से अपनी साइकिल अब की बार लखनऊ से पहले रुकने वाली नहीं है। जय योगी महाराज, जय मोदी राज। अरे मोदी जी ये तुम कहाँ चल दिए खुरपा और ये फावड़ा लेके, यहाँ अखिलेश यादव हमको परेशान करके रखे हुए हैं कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे यूपी के। मोदी जी तुम ही बता दो कौन मुख्यमंत्री बनेगा अब की बार। अरे योगी जी ओम फो, अरे योगी जी मुख्यमंत्री तो अब की बार अखिलेश यादव ही बनने जा रहे हैं, क्योंकि योगी जी तुम्हारे पिछले 5 सालों में सिर्फ बुलडोजर बुलडोजर होता रहा, वहाँ अखिलेश यादव अपनी साइकिल से तुम्हारे बुलडोजर को कुचलते हुए लखनऊ पहुँचने वाले हैं। योगी जी ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, और हमको भी यहाँ परेशान करके रखा हुआ है तुम्हारे चक्कर में। अरे सही कह रहे हो मोदी जी, बिल्कुल सही, ये योगी तो अपने बुलडोजर के चक्कर में ही रह गए, यहाँ मेरी साइकिल धर्राटे काट रही धर्राटे। मोदी जी तुम घर जाओ अपने फावड़ा खुरपा को लेके, वहाँ आराम से 2 रोटी अचार के साथ खा के आराम से सो जाओ, और मेरे लिए भी यहाँ भिजवा देना, मैं यहाँ योगी के बुलडोजर को अपनी साइकिल से खींचता हुआ घर आ रहा हूँ, इतने जल्दी रोटी भिजवाओ मोदी जी मेरे लिए भी। अरे अखिलेश बबुआ कैसे हो, अरे एग्जिट पोल देखा क्या? अरे तुम तो कह रहे थे कि यूपी में सरकार बनाऊंगा, तुम्हारा तो एग्जिट पोल में नंबर ही नहीं आ रहा, तुम तो मायावती से भी नीचे चले गए अखिलेश बाबू। अरे योगी जी कसम से पूरा मजा आ गया मुझे तो,
सुनो अखिलेश बबुआ, क्या कह रहे थे? सरकार बनाऊंगा, ये मेरी और योगी जी की जोड़ी है, ये किसी के हाथ आने वाली जोड़ी नहीं है। दुनिया को दिखता कुछ है और हम करते कुछ हैं, समझे बबुआ? अब तुम्हारे दो लात पड़ेंगी पीछे से और तुम घास में जाके पड़ोगे। अरे चुप करो तुम दोनों, क्या यार ये एग्जिट पोल करके मेरा सर दर्द कर दिया। अरे क्या होता है एग्जिट पोल से, या तुम दोनों फेंका फाकी करने में लगे हुए हो? वो तो सबको पता है तुम्हारी एक ही बात है, ओवैसी की भी योगी की भी। भाई जिस दिन रिजल्ट आएगा तुम दोनों के लिए जगह नहीं मिलेगी भागने के लिए। क्या एग्जिट पोल कर रहे हो सुबह से शाम तक? ऐसे एग्जिट पोल तो दिन रात होते रहते हैं। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मिलेंगे हम तुमसे। भगो यहाँ से, भग।